गुड मॉर्निंग दोस्तों, वैष्णव वृंदा ब्लॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बना रहे हैं नए स्टाइल से फ्राइड राइस। तो दोस्तों ये हमारा पानी गर्म हो गया है, इसके अंदर हमने एक चम्मच तेल डाला है रिफाइंड, और इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा नींबू का रस डाला है। तो दोस्तों अब इसमें हम डाल रहे हैं चावल बॉईल होने के लिए। ये देखो दोस्तों चावल हम डाल दिए हैं उबलने के लिए। तो देखिए दोस्तों हमने जो अपनी वेजिटेबल सब्जी हमने काट ली है, ये हमारी गाजर है, मटर है, ये हमारी बीन्स है, शिमला मिर्च है, और ये हमारी पत्ता गोभी है। और दोस्तों आप अपनी पसंद की कोई भी और भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। तो हमने यही पांच सब्जियां ली हैं। तो दोस्तों अब हम इसको आगे बनाएंगे। देखिए तो देखिए दोस्तों चावल हमारा बन के एकदम तैयार हो गया है। और देखिए हमने इसमें नींबू और थोड़ा नमक और थोड़ा ऑयल डाला था इसमें। तो देखिए दोस्तों कितने सुंदर हमारे चावल बने हैं, और इसको कितने वाइट दिख रहे हैं देखने में भी। ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारे चावल लगे। देखिए सारे इसको ठंडा कर रहे हैं हम इसको, ताकि इसको हम आगे बनाएंगे। एक एक दाना खिलावा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पनीर हमने काट लिया है, काट के हम इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक डालेंगे और काली वाली मिर्च पाउडर डालेंगे, और इसमें थोड़ी रेड चिल्ली डालेंगे कश्मीरी वाली। तो सो चलिए सो डालते हैं। देखिए दोस्तों काली मिर्च पाउडर डालेंगे दोस्तों हम इसके अंदर, और इसमें हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, और दोस्तों इसमें डालेंगे थोड़ा एक छोटा चम्मच नमक का, और इसको हम अच्छे से मिला देंगे तीनों चीज़ों को। हमारा ये अच्छे से मिल गया है सारे तीनों चीज़ें। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, इसके बाद फिर हम इसको करेंगे फ्राई। तो देखिए दोस्तों तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसको हम डाल देंगे अपना पनीर को फ्राई होने के लिए। इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे अच्छे से। तो देखिए दोस्तों पनीर में हमारे कलर आ गया है, अभी इसको हम उतार देंगे। तो देखिए दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे अपना वेजिटेबल ऑयल, और दोस्तों इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, और दोस्तों इसमें हम डाल देंगे अदरक, और दोस्तों हम यहाँ डाल देंगे बीन्स, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे दोस्तों हम, बहुत हल्की फ्राई करेंगे इसको। और दोस्तों यहीं पे इसमें हम गाजर डाल देंगे, और दोस्तों इसमें डाल देंगे हम शिमला मिर्च,
और देखिए दोस्तों इसमें हम डाल देंगे अपनी मटर, ये फ्रोजन मटर है। तो देखिए दोस्तों यहीं हम डाल देंगे पत्ता गोभी, देखिए दोस्तों हमारी ये पत्ता गोभी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। ये देखिए दोस्तों हम डाल रहे हैं इसमें अपनी ग्रीन चिल्ली सॉस, और दोस्तों इसी में हम डालेंगे अपनी सोया सॉस, और देखिए दोस्तों इसी में हम डाल देंगे थोड़ा विनेगर। और देखिए दोस्तों यहीं पर अपने हम राइस डाल देंगे इसके अंदर, देखिए उसमें दोस्तों अभी हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, दोस्तों अच्छे से मिला देंगे हम इसको, और दोस्तों जो हमने फ्राई करके रखा था पनीर वो भी इसमें हम डाल देंगे पनीर के पीसेस। और दोस्तों इसको हम कर देंगे इसको मिक्स। ये देखिए दोस्तों ये हमारा पनीर फ्राइड राइस बनके तैयार है प्लेट में डालने के लिए, आपके सामने बनाया है दोस्तों हमने, आप भी बनाइए बच्चों के साथ में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और आपको मिलते हैं एक नए ब्लॉग के अंदर, जो हमारे नए साथी हैं वो हमारे को कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों शेयर भी करें। तो दोस्तों हम अब इसको अब डालते हैं प्लेट में।